देश भर में मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजाने और धार्मिक जुलूसों के दौरान हिंसा की बढ़ती खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सतर्क हैं। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य भर में मंदिर और मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का निर्देश दिया था। उनके निर्देश पर कानून व्यवस्था देख रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक 17,000 धार्मिक स्थलों पर लगे वैध लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई है और 125 जगहों पर अवैध लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं। लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज कम की गई है। जहां एक तरफ पूरे देश में लाउडस्पीकर और अजान विवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद ने मिलकर धार्मिक सौहार्द बनाए रखने का बड़ा उदाहरण पेश किया है। दोनों जगहों पर लाउडस्पीकर बंद करने का फैसला किया गया है। दरअसल राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद दोनों ही शहर के गांधी चौक मोहल्ले में एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में दोनों जगहों पर लाउडस्पीकर बंद करने का फैसला किया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो हमारे परंपरागत रूप से संवेदनशील जनपद हैं वहाँ विशेष प्रबंध किए गए हैं और हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है लगभग 47-48 कंपनी पीएससी लगाई है, 7 कंपनी सीएपीएफ भी लगी है, इसके अतिरिक्त सीएपीएफ और भी मिलने की संभावना है तथा हमारी पूरी सिविल पुलिस की फोर्स जो जनपदीय इकाइयों में है वो उस दिन रहेगी। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि बगैर अनुमति के कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जुलूस निकालने की अनुमति के साथ आयोजकों को शांति और सौहार्द बनाए रखने का हलफनामा भी देना होगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जुलूस या लाउडस्पीकर से दूसरे धर्मों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। देश भर में जोर पकड़ रहे धार्मिक विवादों का हवाला देते हुए कहा था कि उनके प्रदेश में किसी भी तरह का सामाजिक या धार्मिक तनाव से जुड़ी कोई वारदात नहीं हुई है। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है, 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तूतू-मैं-मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर साबित किया है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद कृष्ण जन्मभूमि से लाउडस्पीकर हटा लिए गए हैं। मंदिर परिसर में भागवत भवन पर लाउडस्पीकर लगाए रखने की अनुमति है, वहीं गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ धाम परिसर में लगे लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। प्रदेश भर में अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। 31,000 जगहों पर अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा 7,500 ईदगाह और 20,000 मस्जिदों में नमाज होगी। इसके लिए शांति समिति की बैठकें हो रही हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश भर में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से वार्ता हो गई है। इसकी सुरक्षा के लिए 48 कंपनी पीएसी, 7 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स दिया गया है। सभी जिलों में जिले की फोर्स अलविदा की नमाज के वक्त पूरी तरह से तैनात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।